कोड नेम तिरंगा, नाम सुन के ही पता चलता है कि फिल्म की जो कहानी है एक एजेंट पर है जो कि देश के लिए मिशन पर जाता है। बस फर्क इतना है कि इस बार मिशन पर हीरो नहीं बल्कि अपनी हीरोइन है, और यही फिल्म की अकेली खासियत है। एजेंट बनी दुर्गा यानी कि परिणीति चोपड़ा जाती है विदेश एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए, और इसका नाम है खालिद उमर। ये 2001 में हुए संसद पर हुए हमले का जिम्मेदार है, मास्टरमाइंड है, सब कुछ इसी का किया धरा है। परिणीति चोपड़ा मिशन पर होती है, लेकिन इस दौरान इनको प्यार हो जाता है हार्डी संधु से, जो कि इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं डॉक्टर मिर्जा अली का। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हार्डी संधु को सच्चाई का पता चल जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? क्या हार्डी संधु सच्चाई जानने के बाद परिणीति चोपड़ा का साथ देंगे? क्या ये अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगी? क्या ये आतंकवादी को पकड़ पाएंगी या फिर नहीं? इसके लिए आपको दोस्तों फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन फिल्म को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कुछ नया है। आपको ऐसा लगेगा यार ये चीजें मैं पहले भी कई बार देख चुका हूं। फिल्म जो होती है वो देशभक्ति के नोट से शुरू होती है, लेकिन आगे चलते हुए आगे बढ़ते हुए ये अपनी पकड़ को खोने लग जाती है जैसे ही इसमें लव एंगल आता है। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से बिखराव जो है वो साफ तौर पर नजर आने लगता है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, किसने कैसी एक्टिंग की है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पर परिणीति चोपड़ा से, जो कि मेन फेस है इस फिल्म का। इन्होंने एक्शन सीन बहुत अच्छे किए हैं, इमोशनल सीन्स भी बहुत अच्छे किए हैं। एक तरह से आपको लगेगा ही नहीं कि यार मतलब इसमें हीरो होना चाहिए था। मेन फेस में ये बिल्कुल जमी है, अपने किरदार को अच्छे से परिणीति चोपड़ा ने निभाया है। अब बात करते हैं हार्डी संधु के बारे में। अपने गानों से सबको दीवाना बनाने वाले हार्डी संधु जब आपको नजर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा नहीं ये एक पंजाबी एक्टर या फिर सिंगर है, आपको लगेगा ये बिल्कुल कमाल का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने रोल किया है उसे देख के आप कहेंगे यार मतलब इन्हें आने वाले टाइम में और फिल्मों में जरूर दिखना चाहिए। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन विलन के बारे में, जो कि है शरद। जी हाँ, ये वही है जिनको प्रभास की आवाज के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से इन्होंने अपना रोल किया है वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल ये जम रहे हैं अपने किरदार में। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर रजत कपूर जी के बारे में, दिवेंदु जी के बारे में। इन्होंने भी अपने किरदार को अच्छे से निभाया है, जितना भी टाइम मिला है पूरी तरह से जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे फिल्म का जो म्यूजिक है वो अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी है वो अच्छी है, सब चीजें अच्छी है, एक्टिंग भी बढ़िया की है। लेकिन आप सोचो एक्ट्रेस भी क्या कर सकते हैं जब तक स्टोरी में दम ना हो। आज के टाइम में स्टोरी ऐसी चाहिए जो नई हो, जो ऐसी हो सीधे दिल में उतर जाए। अगर स्टोरी में जान नहीं है, स्टोरी में दम नहीं, तो बड़े से बड़ा एक्टर मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट इज द किंग। देखिए अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, परी की एक्टिंग के लिए, हार्डी संधु की एक्टिंग के लिए। बाकी ऐसा कुछ खास तो है नहीं फिल्म में। अगर आपने देखी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, रिव्यू कैसा लगा प्लीज लिखना, लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरी जान जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।